अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पर बैठ कर अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये बासित बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 2 वीक से आ रहा है, 2-3 वीक से, हफ्ते में 2 दिन आते हैं ये। 1 ईयर पहले भी आए थे, 2 महीने आए तो आते रहे थे वो, वीक में वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आते रहे हैं। इस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीटिंग पे भी करा लिया माशाल्लाह, स्टीमिंग भी इसकी सीटिंग की हद तक, स्टैंडिंग की हद तक भी स्टीमिंग पे काम हो गया है, सीटिंग की हद तक टच के सेंसरी पे भी हो गया है, स्टैंडिंग के साथ भी टच के सेंसरी पे हो गया है, विदाउट चेंज विद चेंज इंडोर हुआ है, आउटडोर अभी बाकी बाद में रहता है। हर डिसऑर्डर हमें पहले इंडोर सिखाना पड़ता है, उसके बाद हम आउटडोर सिखाते हैं। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बच्चों को जब पिकी ईटर होती है या बच्चे दूध नहीं पीते, वो लिक्विड, पहले मैंने लेक्चर नंबर 43 में भी बताया हुआ था कि जो बच्चे पिकी ईटर होते हैं, चीज़ें खाते नहीं, तो उनको खाना कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, न्यू फूड आइटम के वो खाने लग जाए उसका, क्योंकि वो उनका टेस्ट का सेंस भी होता है। तो आज मैं सिखाना चाहता हूँ कि लेक्चर नंबर 43 की कंटिन्यूटी, आज मैं इसको दूध पीना सिखाऊंगा कि ये दूध फीडर में तो पीता था लेकिन ग्लास में नहीं पीता था। ग्लास में इनके क्या होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं बिहेवियर के भी फीडर में पीना है, और ग्लास में चूंकि उसको ग्लास के टच के सेंसरी होते हैं, उसकी क्वांटिटी के सेंसरी होते हैं, चूंकि उसमें बड़ा सिप लेना पड़ता है, और जबकि फीडर में सिप वाला तो सवाल ही बना होता है, उसमें डायरेक्ट जो होता है दूध के जो ड्रॉप्स निकल रहे होते हैं वो हलक में जा रहे होते हैं, मुंह में कंटेन नहीं हो रहा होता फीडर के साथ, जबकि ग्लास में जब पिलाते हैं तो मुंह में कंटेन होता है। हमने तमाम डिसऑर्डर पे, चाहे वो ग्लास के टच के सेंसरी है, जो लिफ्ट में टच होता है ग्लास, उसके साथ भी सिखाना है। सेम ऐसे ही जो है जो उसके मुँह में कंटेन होता है दूध, उसको उसकी आदत नहीं है तो उस पर भी काम करना है, और छोटे छोटे स्टेप से सिखाना है, और डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेंड यानी बेबी स्टेप्स लेने हैं, तो ही बच्चा ये आपका दूध पीना सीख जाएगा। इसके माशाल्लाह पैटर्न बैठ गए हैं, उस पैटर्न बैठाने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है। जब तक बच्चा सीटिंग नहीं कर लेता, जब तक बच्चे के सीटिंग के साथ सेंसरी और स्टीमिंग पे काम नहीं हो जाता, तब तक हम बच्चे के जो है फूड के साथ जो उसके पिकी ईटर होता है या सिलेक्टेड चीज़ें खाता है या रेपिटेटिवली खाता है, उस पर हम काम नहीं कर सकते। तो दूध में सबसे पहले दूध को छानना है, अपने छाने हुए दूध को खिलाना है, पिलाना है, तो उसके लिए भी मैं तरीकाकार बताऊंगा। जैसे पहले मैं आपने इसको इस अंदाज में उसकी कंप्लायंस करनी है, देख सीटिंग कोई किसी किस्म की स्टीमिंग कुछ भी नहीं है, ना हैंड्स की है, ना इसकी जो पूरी बॉडी की किसी भी पार्ट की है। जब ये सीटिंग के साथ अच्छा कर लिया, उसके बाद मैंने इसको फौरन ही देखिए, मैंने उसको उठाया चुप करके खामोशी से, जिस हिसाब पे हमने काम करना है हमने खामोशी से काम करना है, उसके बाद मैंने इसको इधर बिठा दिया, इधर भी उसको हर बॉडी के पार्ट पे टच दे रहा हूँ ताकि इधर भी मैं उसकी जो है स्टीमिंग पे काम कर सकूँ, और सेंसरी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस पर हो गया है। जब ये अच्छा हो जाए, इसके बाद आपने फौरन आप इधर देख रहे होंगे कि फौरन मैं दूध लेके नहीं आ रहा। हमने क्या करते हैं, अचानक से दूध ले आते हैं और दूध आकर उसको पिलाने लग जाते हैं, हमने ऐसे नहीं करना, बल्कि इसके सामने वो मिल के जब हमने पैटर्न डालने, चूंकि उसने हमेशा इस बच्चे ने फीडर में पिया है, गिलास में जितनी दफा इसको पिलाने की कोशिश की है इसने कभी भी नहीं पिया, 4.5 साल इसकी एज हो गई है और 4.5 साल में आज तक इसने गिलास में दूध पिया ही नहीं, फीडर में पिया है। अब उसको फीडर से गिलास की तरफ लेके आना है तो आपने फीडर बिल्कुल जीरो कर देना है, या अगर बच्चा दूध नहीं भी पीता पहले जो आप पिला रहे हैं तो भी आपने उसको इस अंदाज में पिलाना है जिस अंदाज में मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो एक तो पहले आपने उसकी सीटिंग अच्छी, जैसे सीटिंग अच्छी हो जाए उसके बाद आपने दूध को बाहर से लेके आना है और प्रिपेयर करना है। आप देखिएगा मैं बाहर जा रहा हूँ, देखिएगा मैं इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए मैंने ये जो है एक प्लेट लेके आया, उस प्लेट के अंदर 2 ग्लासेस है और एक दूध की बॉटल है। इस अंदाज से आप लेके आएंगे और जब लेके आएंगे ऐसे पहले रुक जाएंगे ऐसे करके, फिर उसके बाद 2 कदम बच्चा स्टार्ट में, ये बच्चा मेरे जैसे इसने दूध देखा इसमें तो क्राई करने लगा, लेकिन अब चूंकि उसके पैटर्न बैठ गया अब उसका क्राई खत्म हो गया, तो अब जब सिखाते हैं तो उनके क्राई भी खत्म होते हैं कि मैं थोड़ा सा और आगे आया, मैं थोड़ा सा और आगे आया, मैंने हाथ में हाथ को नीचे किया, जब जब उसका क्राई होता था, जब वो 10-10-15-15 मिनट क्राई करता था, जब उसका क्राई खत्म थोड़ा सा भी पॉज देता था क्राई में, तो मैं उसको नीचे ऐसे यानी उसके करीब लेते आता था उसी को, यानी बेबी स्टेप्स के साथ आपने ये तमाम, ये चाहे प्लेट है ग्लास है जो भी आप दूध लेके आ रहे हैं, तो डिस्क्रीट के साथ यानी स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स के साथ आएंगे तो भी ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये आप उसको दूध पिलाने के काबिल बनेंगे। अदरवाइज उसको उसके साइड के सेंसरी हैं, उसको ग्लास से पीने के टच के सेंसरी हैं,
उसको जो है बच्चे को मुंह में कंटेन कर लेता है, उसके से वो उसके सेंसरी है, हलक से निकलने का अलग डिसऑर्डर है, उसके सेंसरी है। तो हमने तमाम पे काम करना है। उसके लिए सबसे पहले इसके सामने मैंने ऐसे रखा, उसके बाद जो आपने अगला क्या करना है, अब मैं इसके साथ ऐसे बैठ गया और बैठने के बाद मैंने उसको फिर से टच दे दिया। अब मैं इसके सामने क्या करूँ, मिल्क को प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको मैंने ये टैप ये इसका जो ये कैप है ये ओपन की और ओपन करने के बाद रख दिया, फिर मैंने वेट किया। ये मैं साथ देखे उसके एक्सप्रेशन भी बन रहे हैं, बच्चे के क्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको डिस्क्रीट के साथ चला रहा हूँ। अगर आप हम क्या करते हैं फौरन दूध ले आके उसको पिलाने लग जाते हैं, एक वक्त में एक डिसऑर्डर पे काम होता है, ये सारे डिसऑर्डर पर नहीं होता काम। इसलिए आपने वेट कर करके इसको सिखाना, ताकि टॉयलेट जैसे उसने इसको देखा माशाल्लाह क्राई खत्म किया, टॉयलेट किया, मैंने ग्लास उठा लिया। अब ग्लास उठा के वो देख रहा है इसको, समझा थोड़ा सा उसको ये फीलिंग, चूंकि मोबाइल के चेंजेस के साथ भी इसको नहीं कराया गया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको कराया जा रहा है। उसके बाद क्या कि मैंने हल्का सा ऐसे आप इतना डालेंगे समझे वन ड्रॉप जितना दूध डालें कि सिर्फ एक ड्रॉपर गिलास से जाए, यानी एक आप ड्रॉप से भी छोटा दे सकते हैं उसको दूध, बहुत कम, यानी आपने जो दूध पिलाना है वन गो में बार बार हम इसको रिफिल करते रहेंगे, लेकिन पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। अब ये देखें अगर आप ग्लास में देखें तो ग्लास में बहुत कम सा है, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन इससे भी थोड़ा जितना थोड़ा कर सकते हैं करें। अभी जो कि मैंने पैटर्न डाल चुका हूँ इसे, उसके बाद क्या करना है, मैंने यही जो है थोड़ा सा और आगे आया हूँ, चेयर को और आगे करके ऐसे बैठ गया हूँ। ऐसे आपने मुझे पूरे 2 घंटे लग गए ये स्टेप्स लेने में, क्योंकि मैंने आपको जब जब उसका किराया थोड़ा कम हुआ फिर मैंने आगे चला गया, जब वो 2 सेकंड या 1 सेकंड के लिए भी किराए में खामोश हुआ वो, इस अंदाज से आपने करना। अब देखिए मैंने और गिलास थोड़ा सा आगे कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके इसके आगे जाना, फिर और आगे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। जब भी जहन रखे बच्चों को दूध पिलाएं तो बच्चे का कोई नई चीज खिला रहे हो उसका जो स्टॉमक एम्प्टी होना चाहिए, उसको भूख शदीद हो, आपने उसको भूखा रख के ही पिलाना है, वरना अदरवाइज वो वोमिट कर देगा। मैंने जब स्टार्ट में इसको किया था इसने वोमिट कर दिया था, जब वोमिट करे उसको दोबारा फिर से पिला दें, ये ना करें कि खत्म कर, फिर से भी पिला, दोबारा पिला दें उसको, तो वोमिट की अगर बच्चा 4-4, 3-3, 2-2 दफा भी वोमिट करता फिर पिला दें। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट से करेंगे और एम्प्टी रखेंगे उसका स्टॉमक तो फिर वो वोमिट नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो दूध करेगा, दूध करेगा फिर से पिला देंगे, तो क्योंकि पहली दफा पिला रहे हैं बाद में उसको इसकी टेस्ट बड्स बनने लगे, उसको ब्रेन कहता है कि ना पियो, बाकी उसके रेपिटेटिव बिहेवियर बोलते हैं। देखिए मैंने और क्रीप कर लिया, उसके बाद तरीका क्या किया, मैं अपनी जगह खड़ा हो गया। अब मैंने क्या किया इसके ऐसे चिन पे हाथ रख लिया, ये मैं बेबी स्टेप ले रहा हूं। उसके बाद मैंने क्या चिन को ऊपर की तरफ कर दिया, चूंकि मैंने इसके टच के सेंसिटिव भी कर चुका हूं इसलिए आप देखिए वो थोड़ा सा कराया कर रहा, कोई बात नहीं करा इसका भी खत्म हो जाएगा। अब जू इसने उम्र किया फिर मैंने चलो चलो शाबाश पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो शाबाश, ये करके मैंने हल्का सा उसको देके टेस्ट दे दिया, फिर से उसको ऐसे करेंगे सामने, फिर ऐसे करेंगे, आप देखेंगे खुद से पी गए। देखें पहले तो बातचीत को पकड़ना पड़ा, उसके बाद चीन को पकड़ना नहीं पड़ा, देखें उसको टेस्ट में थोड़े से जिस बच्चे को उसके इसको दूर का टेस्ट का बताइए, इसको ग्लास के सेंसरी पे टच के लिप्स के साथ जो टच हो रहे हैं, माउथ में जो दूध कंटेनर होता है उसके सेंसरी पे हलक से निकलने का था और क्वांटिटी का भी होता है डिसऑर्डर, ये चार सारे चीजें बाकी इन सब चारों डिसऑर्डर में काम करने के लिए आपने ऐसे वेट कर करके आना है। फिर से मैं क्या करूंगा इसके अंदर थोड़ा सा और रिफिल कर दूंगा, हल्का सा फिर से मैंने हल्का सा दिया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं ऐसे करके फिर ये जो ये वेट है हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए मेरा वेट खत्म हो गया, मैंने सारा उसको अलहमदुल्ला पिला दिया, और जब वो मुंह में कंटेन करे उसके लिए आप कॉन्स्टेंट ऐसे दें, फिर वो जब ऊपर होगा तो खुद ही निकल भी लेगा, उसको इनगल्फ भी कर लेगा, इस पे भी करना चाहिए। फिर से मैंने उसको देखो थोड़ा सा भी कराया करा, अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह ऐसे करके चुके बार 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 बार। अच्छा बच्चा जब भी कराया करे तो आप थोड़ी थोड़ी से करके, देखिए मैंने इस गिलास को रख दिया वॉक करते रहे, जब बच्चा कराया करे आपकी कंप्लाइंस में है तो कंप्लाइंस में, लेकिन कराया करे तो आपने क्या करना वॉक करनी, वॉक करने से क्या होता है इनके जो बिहेवियर्स होते हैं, देखिए थोड़े से आंसू भी निकल आएगा कोई बात नहीं, हम उसको वाइप भी कर देंगे, चूंकि इन चेंज मोबाइल के चेंज के साथ तो पहली दफा उसके पैटर्न बैठ रही है इसलिए कोई बात नहीं। दूध पीता था लेकिन फीडर में, फीडर से हमने ग्लास में भी ले जाना, आज के बाद इसको फीडर को भी नहीं मिलेगा, इसी अंदाज से छोटे छोटे सिप्स करके उसको दूध पिलाया जाएगा तो दूध पिएगा।
अब देखिए जितना करा जब तक उसका ट्रायल कम नहीं होगा जीरो नहीं होगा मैं वेट कर रहा हूं। हमने ऐसे वेट करा उसके बाद मैं क्या कहूंगा मैं इधर बैठ जाऊंगा। जब उसका क्राई नहीं उसको किस चीज को रूटीन तो कंफर्टेबल हो ना। जब कंफर्टेबल हो गए बिना के स्टार्ट में जरा करेगा तो क्राई करा करे तो अचानक से बिला देंगे उसके बाद आपने क्राई पे भी काम करना। अगर आप क्राई पे काम नहीं करेंगे तो ये बच्चा क्राई करता रहेगा। हमने बिहेवियर पे भी काम करना है और कंप्लायंस भी करानी है दोनों में चाहिए। अगर आप सिर्फ कंप्लायंस करा रहे हैं और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर रहे उसके क्राय को कंट्रोल नहीं करे तो कभी नहीं होगा। मैं बैठा हूं जब तक उस चाहे मुझे घंटों घंटों लग जाए फिर मैं वॉक करूंगा चुप करके ग्लास में रोजर पड़ा है। अब वो जब जब भी क्राय में थोड़ी सी उसकी यदि आप जैसे क्राय में पॉज लेगा मैं एक कदम बढ़ाऊंगा जूनियर से पॉज दिया मैंने एक कदम बढ़ा लिया। क्राय करते हुए कदम नहीं बढ़ाऊंगा। जब आपने बिहेवियर को ये मैं उसको क्या दे रहा हूँ विजुअल प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं तीन प्रॉम्प्ट्स होती हैं फिजिकल प्रॉम्प्ट वर्बल प्रॉम्प्ट विजुअल प्रॉम्प्ट। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा जो इसका किराया थोड़ा सा कम हुआ मैं और इधर हो गया जैसे और खत्म हुआ मैं और इधर हो गया फिर से खत्म हुआ मैं और इधर हो गया। हमने किराए पे भी मेरे से तमाम पेरेंट्स पूछ रहे थे सर बिहेवियर पे वीडियो दें या मैं थोड़ी सी दूध के साथ बिहेवियर पे वीडियो दे रहा हूँ और उसके बाद उसका क्राई बिल्कुल जीरो हो जाएगा। देखूंगा नहीं अगर मैं इसको देखने नहीं जाऊंगा तो फिर मैं साइड पे काम कर रहा हूं वो तो मैं आई को आई कॉन्टेक्ट पे वो तो डिसऑर्डर हो रहा है आई कॉन्टेक्ट आई से कॉर्निया टू कॉर्निया आई कॉन्टेक्ट हो जाएगा। देख जैसे उसका कर रहा हूं मैंने ग्लास उठा लिया फिर मैंने ऐसे रख दिया फिर मैं ऐसे चल पड़ा ये मैं ऐसे चल पड़ा। हम जब तक डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग बेबी स्टेप्स नहीं लगे हम बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। रोएगा बच्चा जहन रखे जब भी नई कोई चीज सिखाते हैं बच्चा क्राई करेगा जब उसको आदत नहीं है लेकिन हमें क्राई पे काम भी करना है। मेरे तमाम पेरेंट्स के साथ क्राई कराए कराए बिहेवियर पे ये बिहेवियर पे है चल दूंगा हर डिसऑर्डर के साथ बिहेवियर है और इसी अंदाज में किया गया उसका कंट्रोल। चाहे मैंने इसको स्टार्ट में स्टिमिंग कराई स्टिमिंग पे काम हुआ जैसे हल्का सा चुप हुआ मैंने एक और कदम ले लिया फिर चुप हुआ एक और कदम ले लिया। अब दोबारा से उसका किराया शुरू जूनियर का किराया थोड़ा सा कम होगा मैं और कदम लूंगा फिर मैं एक और स्टेप ले रहा हूं फिर मैं एक और स्टेप ले रहा हूं फिर मैं एक और स्टेप ले रहा हूं। जब वो किराया करोगा तब स्टेप नहीं लूंगा वो जो पॉज लेता है एक एक डेढ़ डेढ़ सेकंड का उस एक डेढ़ सेकंड में मैंने एक एक कदम बढ़ाना है। ये मैं उसको रियल प्रॉम्प्ट दे रहा हूं लेकिन आई कॉन्टेक्ट नहीं देना वर्बल भी नहीं देना फिजिकली दे सकते हैं बगैर दे देंगे ऐसे करके। ये इस अंदाज में आप बच्चे के किराए पे भी काम कर सकते हैं। आपको घंटों घंटों लग जाए 2 hours का एक सेशन होता है और तो ट्राई कर और ट्राई कर तो क्या होगा यानी आपको दो दो घंटे करके जितने दिन लग जाए जितने 24 आवर्स की तरफ दो दो घंटे करके सेशन आप करेंगे 2 hours का एक सेशन होता है। देखो सो ट्राई हो मैं भी डरूं मैं भी वेट करूं मैंने क्या किया जैसे ही हल्का सा उसका किराया कम हुआ मैंने हल्का सा इसमें दूध और डाल दिया। देर आनी होगी जब तक उसका किराया जीरो नहीं होगा। ये हम बिहेवियर पे भी काम कर रहे हैं प्लस डिसऑर्डर पे भी कर रहे हैं। अभी मेरे हॉल का टीचर मैंने ये रख दिया ये भी प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम दे रहा हूं उसको फिर जैसे हल्का सा चुप होगा मैं और आगे आ गया। एक एक सेकंड की कंप्रोमाइज देनी आपने जब वो किराया करेगा आप आगे वो तो और ज्यादा किराया करेगा। इस अंदाज में हम बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं और बच्चे के किराए पे भी काम करते हैं प्राइस भी करते हैं किराए पे भी काम करते हैं और प्राइस भी देते हैं। फिर मैं एक कदम जो ही चुप हुआ मैं और आ गया फिर मैंने आवाज इधर रख दिया जैसे कि उसका एक एक सेकंड के लिए किराया खत्म होता है फिर मैं ऐसे कर दिया
हल्का सा भी चुपूंगा। मैंने ऐसे कर दिया। अचानक से चुप करके मैं उसके मुंह में डाल दूंगा। ये जब वो चुप था, ये अब मैंने बिहेवियर के साथ उसके किराए के साथ उसे दिया उसको दोनों का। हमने किराए पे भी काम करना है और कंप्लायंस भी करनी है। 4.5 साल उसने फीडर से, कभी तो फीडर नहीं देंगे, नहीं छुड़वाएंगे तो कैसे छुड़ेगा, क्योंकि उसका रेपिटेटिव बना हुआ है। इस अंदाज में मारा भी देगा आपके सामने इसी वीडियो के दौरान इसका किराया जीरो हो जाएगा। जैसे चुप होगा मैं अचानक से फिर से मिला दूंगा। जब वो एक सेकंड की क्यों नहीं देखेगा, ये कर दे। फिर ये देखिए दूध खत्म हो गया। मैंने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको करेंगे। यानी हमने बिहेवियर पे भी काम करना है। मैंने बिहेवियर की बहुत सारे है कि डिसऑर्डर के साथ बिहेवियर है बच्चों का, एक लाख डिसऑर्डर है। फिर मैंने हवा में रख लिया, जैसे उसका किराया काम हुआ मैंने चुप करके थोड़ा सा मिला दिया और उसके बाद छोड़ दिया। अब अगली दफा मैं इसको चीन से पकड़ूंगा नहीं, अचानक से आएगा तो ये खुद से देखेगा भी है। ये जून चुप हुआ कि मैंने ऐसे किया, ये भी बगैर चीन के धीमे पे भी काम करना है और कंप्लायंस भी करानी है। अगर आप कंप्लायंस कराएंगे इनकी जिद से हम नहीं लड़ सकते। हमने प्रॉन्ट्स डिफरेंट दे दे के करना है। आपकी एक एक मूवमेंट, आपके हाथों की, फीट की, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी की जो प्रॉन्ट्स दे होते हैं वियर प्रॉन्ट, हमने सब पे काम करना होता। मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसके अंदर हल्का सा और दूध डाल दूंगा। अब दूध की तरफ माशा देखे मैंने डाला, देख भी नहीं रहा बड़ो भाई मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग के जरिए वियर प्रॉन्ट के जरिए उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया। देखिए फिर से मैं अचानक से आऊंगा और आके उसको ये थोड़ा सा दूध पिलाऊंगा और इसके बाद ऐसा। अब उसका किराया थोड़ी देर कम हो, फिर से शायद क्या पता करे, करेगा तो एक कदम और बढ़ा दूंगा। फिर मैंने ऐसा अचानक से उसको आके ताकि उसको अर्ज पैदा हो। हमने बिहेवियर पे भी काम करना है, पी भी रहा है माशाल्लाह, और बिहेवियर भी तेरा बर्बाद नहीं, मौके साथ उसका बिहेवियर जीरो हो जाएगा। इस अंदाज से कराएंगे तो ये फिर से कराए जू ही कराए तो एक सेकंड के लिए भी चुप होता है, मैं फौरन एक सेकंड के लिए और लगा लिया। जैसे चुप हुआ मैंने थोड़ा सा डाल दिया, डालते हुए रखते हुए हर वक्त ये जो स्टेप्स ले रहे होते हैं एक एक व्हील ग्राउंड के जरिए। जैसे उसका चुप हुआ हल्का सा भी, मैंने क्या करना, चुप करके उसको ये देख। अब अगली दफा में क्या करूंगा, होंठों पे लेकर थोड़ा सा एक इंच के पास देखेगा, आप खुद देखिएगा जरा गौर से दिखाएगा, फिर क्रीम से भी बेशक, फिर ये खुद आगे बढ़ेगा पीने के लिए। ये बेबी स्टेप्स है, बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहे हैं और बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं, क्योंकि उसमें दूध अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है। लेकिन जब भी दूध को देना छान के दें, क्योंकि भलाई के अलग डिसऑर्डर होते हैं, हमने भलाई के बगैर देना। बाद में जब दूध अच्छा पीना देगा फिर हम भलाई के साथ ही देंगे। अब सर देखिएगा मैंने इसको इतना दूर रखा है, खुद आ गया जब वो चुप करता है, जब वो एक सेकंड के लिए भी चुप करे सांस लेने के लिए रोते हुए तो सांस ले रहा बच्चा, जैसे सांस ले आप लेकिन भूख के साथ एम्प्टी हो, स्टॉमक एम्प्टी ताकि वोमिट ना करे, खाने को वोमिट ना करे, दूध को करने कोई बात नहीं, उसको दूध दोबारा से पिला देंगे। अब जैसे वो हल्का सा भी एक सेकंड के लिए चुप हुआ मैंने चुप करके उठाया, फिर उसके बाद मैंने जोर से एक और सेकंड चुप हुआ मैं डाल दिया, फिर चुप हुआ मैंने रख दिया। मुझे एक एक सेकंड की, आधे आधे सेकंड की मैं कंप्लायंस ले रहा हूं किराए पे, क्योंकि इसको मैं किराए पे भी काम कर रहा हूं। जैसे वो हुआ मैं चुप करके खुद ही आ गया।
पढ़ाई करेगा, थोड़ा सा पकड़ाई करेगा, लेकिन आगे बढ़ रहा है। जैसे उसके बाद पीछे आ स्टार्ट में एक बार दो दबाव आपको थोड़ा तीन बार दबाव जबरदस्ती एक सिप देनी, एक टॉप देनी, उसके बाद निकलना, उसके बाद आपने इसके बिहेवियर के साथ साथ कंप्लाइंस करानी है। जैसे चुप हुआ हल्का सा भी, मैंने क्या किया इस वक्त वो इतना इस सेशन में इतना टॉलरेट अभी नहीं कर रहा कि वो आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं मैं उसको पिलाता रहूंगा। पहला जब ये तो पिला रहे दो, मुझे दो इंच आगे हो गया भी पीना पड़ रहा है, कोई बात नहीं मैं दो दवा करके देखा, कहता नहीं मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा, कोई बात नहीं मैं उसको खुद पिलाता रहूंगा ये बिहेवियर को कंट्रोल करके। अब देखिए जैसे वो हल्का सा चुप हुआ मैंने उठाया और रीफिल रीफिल करते रहते हैं, दो दो ड्रॉप्स तीन तीन ड्रॉप्स गिलास में, आहिस्ता आहिस्ता ये फिर हम आधा आधा गिलास भी देंगे, पूरा पूरा फिर उसको पूरा पूरा गिलास भी भरा होगा। अगर हम फौरन ही ज्यादा भरेंगे तो उसको उनको क्वांटिटी के भी डिसऑर्डर होते हैं। जैसे ही हल्का सा भी ऊंचा हुआ तो मैंने क्या करना ही लगी अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा हल्का सा भी चुप होगा तो मैं क्या करूंगा उसकी पीछे को थोड़ा सा पीछे का, बाकी अगर गिरे तो चादर कारपेट में रख के, गर्मी के ऐसे आप चादर छाल सकते, बाकी अगर गिरे तो चादर भी गिरे, कपड़े भी गिर जाए कोई बात नहीं, बाल कपड़े धुल जाते हैं। मेरा बेटा भी चार साल वहां वॉमिट करता था, मैं स्त्री से खिला, मुझे पता है हेल्दी है उसकी तो खिलाए ना। कोई बच्चा भी कीटर बन ही नहीं सकता अगर आपने मेरे लेक्चर नंबर 43 को फॉलो करें और ये जो आज वाला लेक्चर है इसको फॉलो करें। कोई हर चीज बच्चे खा भी सकते हैं, हर लिक्विड ऐसे खिलाएंगे इसमें बच्चों को, चलो जूसेस है, फ्रेश जूसेस है, अनार का जूस है, सेब का जूस है, एप्पल जूस है, आप सारी चीजें पिला सकते हैं, मिल्क शेक पिला सकते हैं लेकिन विदाउट शुगर। और जैसे उसका हल्का सा भी चुप हुआ मैंने उसके आंसू साफ कर, ये मेरी प्रॉम्प्ट मैंने साफ करने दे, लेकिन क्यों ना मैं ऐसे इस अंदाज से करूं कि जब बच्चे बहुत क्राई करते हैं, मैं क्राई की वीडियोस नहीं देता लेकिन अब मैं दूंगा, बताऊंगा कि कैसे क्राई का कंट्रोल करना। मैं बिहेवियर के बाद जो वो चेंज के साथ मुझे मेरी चेंज बहुत बड़ी चेंज है, उस चेंज के साथ जब देखिए गिलाज हुई था मैंने फौरन उसको उठाया फौरन उसको से उसको लिंक भी कर रहा है माशा, पसंद भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसने हमेशा फीडर से पिया है, चाहे फीडर से ना भी पहली दफा भी पी रहा होता, चाहे वो उसने दूध आज पहला दिन होता, तो भी तरीका कार यही है, टेक्निक यही है, क्योंकि इनको सेंसरीज होती है, क्वांटिटी के डिसऑर्डर, सेंसरीज के डिसऑर्डर, निकलने के डिसऑर्डर, च्यूइंग के डिसऑर्डर, हमने सब पे काम करना है। अगर हार्ड चीज है तो च्यूइंग है, ये लिक्विड है तो उसको निकलने का डिसऑर्डर है, हार्ड है तो च्यू भी करेंगे उसको निकलेगा, दोनों पे काम करना है, क्वांटिटी के डिसऑर्डर है। हमने फिर क्या करा, बीच हल्का सा जैसे चुप हुआ मैंने बीच हल्का सा दे दिया, ये भी आपके सामने सारी फोटो चाहिए फिनिश करूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा क्या हो गया। अब मैंने फोन से भी दाल ज्यादा लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे एक सेकंड के लिए मैं इधर हो गया, अब मैं इधर से इधर चला गया जैसे चुप हुआ, फिर मैं इधर से भी दूंगा, ये हर डायरेक्शन से उसको दूध पिलाना है। अगर आप एक डायरेक्शन से पिलाएंगे रेपिटेटिव बन जाएगा, हमने अपने रियल प्रॉम्प्ट है उसके बिहेवियर को कंट्रोल। अगर मैं इसी जगह पर आता कि मैंने इधर से पिलाया एक दफा भी नहीं रोया, क्योंकि हमारी पोजीशन भी हमने चेंज कर, हम रैंडमाइजेशन और फेयरनेस नहीं करते, अब देखिए मैंने जो भी पिलाया थोड़ा सा ट्राई किया उसके बाद मैं इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया, ये रियल प्रॉम्प्ट है, हमने रियल प्रॉम्प्ट भी देनी है, हमारी बॉडी भी प्रॉम्प्ट है इनके लिए। लेकिन जब भी ये पिलाएंगे कमरे में चेंजेस ना हो, जब भी आप डिसऑर्डर में सब रूम में कोई चेंज नहीं, बाद में चेंज के साथ सिखाएंगे, चूंकि अभी वो पैटर्न डाले जा रहे हैं। अब देखिए फिर मैं इधर से इधर हो गया, मेरी इधर से उधर जाना क्योंकि ये मेरी हर मूवमेंट को देखता है तो उसको भूल जाता है कि मुझे एक गिलास से पिलाया जा रहा है। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमें विजुअल ग्राउंड देनी पड़ती है, वरना वो ऑल टाइम ये कराए करेंगे, जब जब इनको कंप्लाइंस में करते कराए करते हैं। देखिए मैं इधर से इधर आ गया, फिर मैं इधर से ऐसे मुड़ गया, फिर मैंने इसको उठा के जैसे ही वो चुप चुप होता तो मैं मूवमेंट करता हूँ, अदरवाइज करता हूँ, मैं काफी ज्यादा आ गया मैं इधर, अब इसके बाद मैं इधर चला गया,
लेकिन कितना कराया जा रहा है, जैसे उसका कराया कम होगा तब भी कम होगा, जूरी हर एक सेकंड के लिए भी कम होगा। एक सेकंड जब वो कराया करता तब मैं मूव नहीं करता, जैसे एक सेकंड में चुप होगा मैं उसको मिला जिसके बाद मैं इधर आ गया, मैंने फौरन जूरी चुप हुआ हल्का सा एक सेकंड के लिए सही, मैंने उसको मूवमेंट सिर्फ दे दिया उसके सोचने से पहले कि मैंने कराया कर लिया। इस अंदाज में मिला दिया, हमने ऐसे मिलाना बिहेवियर को ऐसे कंट्रोल करना, इससे करा गया मैं इधर हो गया, जूही हुआ मैं इधर हो गया, जूही चुप हुआ एक सेकंड के लिए भी आपने मेरे से करा दिया, इधर हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं इधर हो जाऊंगा, जब चुप होता तो फिर मैं इधर हो जाऊंगा, कराए करते हुए मैंने नहीं मूव करना, फिर उसके बाद चुप करके मैंने इसको कितनी मैं माशाल्लाह अपने रियल ब्रांड उसको दे रहा हूँ, इधर हो रहा हूँ इधर हो रहा हूँ इधर हो रहा हूँ, अब किराया करना मैंने इधर का मैं नहीं आऊंगा इधर उधर, जैसे पॉज लिया किराया के दोनों मैं इधर हो गया, फिर हल्का सा आधे सेकंड के लिए जो मैं तो 1/4 सेकंड में हो जाता हूँ सांस लेते हुए किराए करते हुए, जब आप इसको ऐसे देंगे तो उसका खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इधर आया, आने के बाद मैंने और दौड़ा, फिर उसके बाद मैंने इधर हो गया, फिर मैं इधर हो गया क्योंकि खामोश है इसलिए हो रहा हूँ, फिर अचानक से इसको ये पिला फिर इधर आ, फिर इधर इधर जो चुप है, लेकिन एक एक कदम के बाद मैं रुक रहा हूं, कॉन्टिन्यूस वॉक नहीं कर रहा, बिट्स में कर करके वॉक कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं फौरन इसको ये मेरी प्रॉम्प्ट है, समझे रियल प्रॉम्प्ट है, ये देखिए क्राई करेगा बच्चा, लेकिन हमें क्राई में भी काम करना, आज पहला दिन है 4.5 साल में से पहले क्लास में दूध पीना, बट वो 14 तक भी नहीं था फीडर के बगैर, हल्का सा पीछे हुआ मैंने उसको दूध दे दिया, फिर मैं इधर उधर हो गया, फिर मैं इधर हो गया, फिर मैं इधर हो गया, अब ये कराया नहीं, लास्ट टाइम में जब वॉक की थी तो करा मैं उल्टे कदम आगे रुक गया, ऐसे करके रुक गया, अब ये ज्यादा कराया करना कोई बात, जैसे चुप होगा चलो एक सेकंड के लिए गुना, सांस लेते हुए भी चुप होता है, अगर कराया करना सांस तो लेता ना उस सेकंड, मैं उसको बता रहा हूं कि अगर तुम चुप हो गए तो मैं तुम गेम में मूवमेंट के साथ उसको रीडायरेक्ट भी कर रहा हूँ, अटेंशन डाइवर्ट भी कर रहा हूँ, प्लस उसके साथ क्या है कि तुम चुप हो गए तो मैं ये मूवमेंट करता रहूंगा, हल्का सा वो मैं हो गया, हल्का सा चुप हुआ मैं, हल्का सा चुप हुआ मैं इधर हो गया, हल्का सा चुप नहीं अभी ट्राई करा अभी मैं ऐसे हो गया, हल्का सा चुप हुआ मैं फौरन हुआ, अब थोड़ी देर ठहर रहूंगा जू ही चुप हुआ मैंने ऐसे मैंने इधर हुआ, फिर मैं इधर हुआ, फिर मैंने इधर हुआ, फिर मैंने इधर हुआ, आज पहला दिन है बिहेवियर कंट्रोल्ड है, स्टीमिंग पे पहले सिटी के साथ काम हुआ, उसके बाद मैंने क्या करना चुप करके इसको, ये बच्चा भी नॉन वर्बल है इंशाल्लाह भी काम होगा, इंशाल्लाह स्पीच करेगा, फिर से मैं इधर हो गया, फिर मैं इधर हो गया, फिर मैं इधर हो गया, फिर मैं इधर हो गया, इस जगह पे इस पोर्शन में ज्यादा रोया, जो ही एक सेकंड चुप होगा मैं ऐसे हो गया, फिर मैंने ऐसे इसको उठा के इसमें फिर मैंने काम कर दिया, या आपके सामने बॉटल देखिए कम होती है और कम हो गया, सारा भी लाऊंगा लेकिन क्राई में भी काम करूंगा, डीलर में भी काम करूंगा, हमने कंप्लायंस भी करनी है और क्राई पे रेपिटेटिव क्राई करनी है, सिटी के साथ भी बच्चे ने किया उसके साथ भी मैंने ऐसे रियल काम दे देकर उसको चुकाया, बाद में ये मेरी फेड हो जाएगी ये काम, क्योंकि आज पहला दिन जो ही उसने किया लेकिन मैंने उसको, जब जब वो पीता है तब खाम हो जाता है, फिर से उसको याद रहा मैंने तो पिला दिया, क्योंकि 4.5 साल तो उसने माँ बाप कोशिश कर करके थक गए लेकिन उसने गिलास में नहीं दिया, ये 18 जब अगर आप ना सिखाएं नहीं सिखाएंगे 18 साल तक 20-25 साल तक ये बस हीटर में ही पीते रहेंगे, वरना कहेंगे हमें दूध हमें पीना ही नहीं, अल्टीमेट ये होता है दूध हेल्दी चीज है, मिल्क देना जरूरी है, फ्रेश मिल्क है डब्बे वाला मिल्क नहीं, ना प्रोसेस देना ना पाउडर वाला देना ना डब्बे वाला किसी कंपनी वाले देना, फ्रेश मिल्क देना, किसी भी किस्म में से बहुत से कैटेगरी होते हैं सर कैसीन फ्री का है मैं इस चीज को
रिकमेंड नहीं कर रहे, हर किस्म चाहे आप बफलो का पिलाएं, काओ मिल्क पिलाएं, जो भी मिल्क फ्रेश होना चाहिए, गोल्ड मिल्क पिला दें, कुछ भी पिला दें वो फ्रेश। जैसे वो हल्का सा भी चुप हो गया, किया और ये माशाल्लाह। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी कंटिन्यूअस वॉक करूंगा, जब रोएगा तो चुप रुक जाऊंगा, जब चुप होगा तो कंटिन्यूअस वॉक किया। ये भी पॉइंट है, मैंने पहले रुक रुक के थी, अब मेरी कंटिन्यूस, जब रोएगा तो रुक जाऊंगा, फिर रोएगा मैं रुक गया, फिर मैं कंटिन्यूअस वॉक कर रहा हूं, तब इसको फिर मैं रुक गया, फिर चुप हुआ मैंने चलने लग गया, फिर मैं रुक गया, चुप हुआ हल्का सा मैं वॉक करने लगे, इसके भी पैटर्न डालने बाद में मैं फुल। अब मैं वॉक करते करते रोज, जब वो रो रहा होता है तब मैं रुक जाता हूं, और जब वो नहीं रो रहा होता तो कंटिन्यूस वॉक करता हूं। पहले मैं ऐसे रुक जाता, स्टिल हो जाता, मैं कंटिन्यू जो ही ट्राई किया मैं रुक गया, जैसे एक सेकंड के चुप हुआ मैं ऐसे फिर रुक गया। ये भी प्रॉम्प्ट देनी आपने, इसके बाद मुक्त यूं ही रोया, चुप हुआ, फिर तो हुआ मैं ऐसे रुक गया, फिर जैसे हुआ मैं सिटिंग के साथ हमेशा जो भी जिस डिसऑर्डर पे काउंटर करें सिटिंग के साथ, स्टैंडिंग के साथ दूध ना पीना है, ना लेटने के साथ जाना, ठीक लगा के सिटिंग के साथ मैं दूध पिलाना अच्छा सीखेगा, फिर हम वॉक वो स्टैंडिंग के साथ भी काम देंगे, मैं वॉक कर थोड़ी देर में वॉक करता रहूँगा चाहे वो क्राई भी कर रहा है, बाद में आता है मेरी कंटिन्यूअस वॉक के साथ भी माशाल्लाह वो ये उसका किराया ज्यादा थोड़ा बढ़ गया, फिर मैं रुक गया, हमने सब पे काम किया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है जैसे उठा गया तो चुप हुआ मैंने रख दिया, ग्लास रख दिया, जैसे हल्का सा चुप हुआ मैंने वो थोड़ा सा पिलाया। हमने बिहेवियर को भी काम करना है, अब मैं क्या करूंगा इसी के अंदर और मैं रुक गया, अभी मेरी कंटिन्यूअस वॉक को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, दिखेगा आज दिखाऊंगा आपने वो बहुत ज्यादा ट्राई करने लग गया, तो मैं कंटिन्यूअस वॉक छोड़ दी वेट के साथ, बाद में कंटिन्यूअस भी करूंगा तो भी वो टॉलरेट करेगा, ये देखा वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, हर पोजीशन है मैं हर पोजीशन पे देखता हूँ कहाँ पे ज्यादा कराया है, वहां पर इधर ज्यादा कराया है, मैं इधर ज्यादा एक नहीं रुकूंगा, एक कदम और चला जाऊंगा, हर पोर्शन में उसका कराया डिफरेंट है, अब इधर इसका कराया इतना नहीं, यहाँ के एक कदम पीछे था, अब ज्यादा था, अगर इसका ज्यादा बढ़ेगा चूंकि मूड से ही हर सेकंड वो बिहेवियर दे होती है, टाइम लैप्स के अलग अलग डिसऑर्डर है, पोजीशंस के अलग अलग डिसऑर्डर है, जैसे आपका तो चुप हुआ मैं इधर आ गया, मेरे का चुप हुआ मैं इधर आ गया, जैसे उसका चुप थोड़ा सा अच्छे वाला हुआ मैंने चुप करके फिर दूध उसको रब दब पिला दिया, फिर मैंने पहले यही गिलास मेरे हाथ में था, अब प्रॉम्प्ट क्या है मैं वापस उसको प्लेट में रख रहा हूं, हर दफा प्रॉम्प्ट चेंज, आप उस वक्त तक एक ही प्रॉम्प्ट दें जब तक रिस्पॉन्स मिल रहा हो, जब आपका रिस्पॉन्स मिलना खत्म हो जाए तो आप प्रॉम्प्ट देना, तो आप वो प्रॉम्प्ट देना छोड़ दें और नई प्रॉम्प्ट दें, इस वक्त ये नई प्रॉम्प्ट क्या है कि गिलास मेरा इधर रखा है, जो ही वो हल्का सा भी चुप होता है मैं उसको जिस हाथ से पिला रहा हूँ उसी हाथ से पिलाना है, बाद में आपने हैंड्स को भी रेंडमाइज करना कि मैं उल्टे हाथ से पिलाऊं तो भी है, सीधे हाथ से पिलाऊं तो भी है, लेकिन वो तो जब आप दूसरा ट्राई करता है फिर मैं इधर हो गया,
आप इधर ज्यादा कराया करेगा तो उधर चला जाऊंगा, उधर ज्यादा कराया करेगा तो इधर आ जाऊंगा। हमने ऐसे अंदाज में बिहेवियर में भी काम करना होता है, किराए में भी काम करना। तो जैसे वो हल्का सा भी चुप हुआ तो मैंने क्या किया, चुप करके इसको। अब अगली दफा मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको जैसे फौरन फौरन करके पिला देता हूँ जैसे चुप होता है। अब मैं क्या थोड़ा स्लो कर देते जाऊंगा, जैसे वो एक सेकंड के चुप होगा या चुप हो गया, अब मैं आया ये उठाया, अब मैं स्लो स्लो करके ले जाता हूँ, स्लो स्लो करके, स्लो स्लो करके, स्लो स्लो करके, स्लो स्लो करके, स्लो स्लो करके ये पिला दिया। ये भी प्रॉम्प्ट है, अभी आपने जल्दी से ये जल्दी में स्टार्ट में करना, बाद में आपने इसमें रैंडमाइजेशन भी करनी प्रॉम्प्ट है। अब उसको फिर बार 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 कराते रहेंगे तो। अब देखिए जैसे वो चुप हुआ मैंने क्या किया, जैसे चुप हुआ मैंने ये बताया ऐसे किया, मैं दूर से जा रहा हूँ स्लो करके। आगे इसको रोना चाहिए उसको, लेकिन वो क्या कर रहा है आगे बढ़ के देखे माशा भी है। आखिरी सिप है ये, फिर से ये आ रहा है स्लो स्लो करके आएगा, ये देखिए स्लो स्लो करके। अब देखो माशाल्लाह वो भी रहा है, स्टार्ट में बच्चा देखिए माशाल्लाह खत्म हो गया, इसी को मैंने उठाया, उसकी ये भी प्रॉब्लम है उठा के मैंने जब फिनिश हो गया मैंने साइड कर, उसके बाद में अपने हैंड वॉश करूंगा, हैंड वॉश करके अभी वीडियो कंटिन्यू रहे और इसको दिखा देना कि उधर हैंड वॉश हो गया। देखिए वही बच्चा है जो थोड़ी देर पहले उसके सूर पीने में बिहेवियर थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए जैसे उसका किराया खत्म होगा मैं उसको क्या करूंगा, जैसे उसका किराया खत्म है अच्छा। अब देखिए चूंकि उसको गिलास और ये भी नजर आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा इसको इनविजिबल कर दूंगा, फिर से चूंकि स्कूल से बहुत स्कूल खत्म हो गया फिनिश हो गया, बिहेवियर पे भी काम करना और पाकिस्तान इस अंदाज से करके अब मैं क्या करूंगा ऐसे करते करते इधर बैठ जाऊंगा। वो बच्चा भी नजर आया तो पीछे आपके पेरेंट्स को पता चले कि बिहेवियर कंट्रोल हो गया। इस अंदाज से बच्चे को चाहे वो पिकी ईटर है, कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी डिसऑर्डर है, आप सब पे इसी अंदाज से काम करेंगे तो बच्चे के बिहेवियर को भी कंट्रोल कर लेंगे। और चीज भी आज फर्स्ट डे था, सेकंड टाइम दोबारा पिलाऊंगा और मैं दोबारा भी वीडियो इसके दे दूंगा ताकि आपको पता चले जीरो बिहेवियर के साथ भी बच्चे दूध पी सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी कराएंगे बच्चे ने किराए करना है, लेकिन माशाल्लाह पी रहा क्या हो गया थोड़ी सी दो घंटे में अगर वो किराया कर लेगा एक काम एक आवर में और काम करेगा फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। इसी अंदाज से हम बच्चों को जब किराएंगे शाबाश मेरा बेटा। अब आप इसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई चीज कोई टॉय ताकि इसकी तरफ नजर ना जाए उसकी, ये देखिए मैंने उसको पकड़ा दिया, ये देखिए उसके हाथ में ऐसे कर दिया, ये अब उसका टेंशन डाइवर्ट हो गया। बहुत में लेवल हो ये ऐसे प्रॉम्प्ट दे रहा हूं इसको, और मैं इसको क्या करूं एक एक दिन बाद और इसको जो टॉय है वो भी दे दूंगा। जो
साउंड वाला मैं चाह रहा हूँ, साउंड वाला कोई चीज़ दे दूँ, साउंड निकले उसकी तवज्जो इससे खत्म हो जाए, ताकि वो अपना लास्ट सीन ये ना रखे, ये देखा ये मैंने उसको, ये जनाब मैंने उसको दिया, ये टेंशन डाइवर्ट कर दी, हमारा टास्क हो गया। अब थोड़े घंटे घंटे मेरे गाड़ी का मैं दूसरे पे हैंड स्ट्रोक आ गए, मैं थाइस पे रखने वाला कराया नहीं, क्या कहूँगा इसी के हाथ में ऐसे करके होल्ड करा, मर्जी का काम भी कराना है और को खिलाना भी है, हमारा काम कर दो, हर चीज आगे दूध चला भी गया, पी भी लिया माशाल्लाह, आगे बढ़ के भी लास्ट सीन किसने लिया, बार बार कराएंगे तो खत्म, अगली बार वीडियो जब तुम उसमें और भी कंट्रोल हो गया। आज फर्स्ट डे है, 4.5 साल में पहली दफा उसको मिलाया जा रहा है लास्ट में, वीडियो तो देना है लेकिन मौके साथ अब मजीद फीवर को कंट्रोल करने का फिक्र करके एक सेकंड में जैसे ही कुछ होगा, यदि अभी एक सेकंड में ये तो खड़ा है, एक सेकंड जो है उसको खड़ा कर दूंगा, यदि जैसे चुप हुआ मैं उसको खड़ा कर दूंगा, उसके बाद मैं जवाब नहीं दिया, अब देखिए इसे होल्ड किया मैंने, होल्ड करके वो भी से चीज ले, अगर इसने होल्ड करा फिर वॉक करा, ताकि इस चीज को रेपिटेटिव कि मैंने क्राई करने करना क्राई, अब देखो उसने खुद ही छोड़ दिया, मैंने ठीक है जो टॉय था उसको दिया था उसे छोड़ दिया, बात नहीं, आप ऐसे करके वॉक भी करा सकते, ये देख फैन को भी देख रहा हूँ जीरो, जैसे इसका किराया जीरो हो जाएगा मैं दोबारा से उसको उसी चेयर पे बिठाऊंगा जिस चेयर से स्टार्ट किया था, फिर मैं इसको ऐसे करके जैसे कर रहा हूँ, फिर साउंड वोकल स्टेपिंग की कर, अब किराया नहीं है वोकल स्टेपिंग है जो पहले भी निकाल रहा, उस पर भी अभी कंट्रोल करूंगा, काम करूंगा अभी नहीं, पहले किराए पे ये वेट करा करा दे रहे हैं, जहां से आपने उठाया था वहां पे बिठाएंगे जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको इधर से इधर पकड़ लूंगा, इस अंदाज में हम बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं कि आपने अपना काम करा लिया, उसके बाद आप इसके साथ साथ शेडो टीचर बनना पड़ेगा, यानी इसके साथ साथ अगर आप इसके साथ साथ नहीं चलेंगे, साथ साथ काम नहीं करेंगे, तो ये आपको बच्चे बाप को बिहेवियर देंगे, मैं इस पास चुप करके लेता क्यों, पहले मैंने चादर बिछाई थी, अब मैं इसी के सामने इसको इधर ही ऐसे करके वेट करा के ये मैं चादर उठा रहा हूँ, ये को ब्राउन, ये बिल्कुल उसकी पोजीशन डिफरेंट था, इस अंदाज से हम इसके वोकल कराए सब चीजों पे अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, आप बच्चों के सामने भी काम किया करें ताकि उनके सामने ब्राउन बिखरे के कंप्राइज है, जैसे ही उसने हल्का सा भी होगा जैसे चुप होगा मैंने उसको भेज सकता, इस अंदाज से बार 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 ट्राई करते रहेगा, मैं इससे दूर बैठ जाऊं, ये सारी मेरी प्रॉम्प्ट्स है, कभी मैं नजदीक कभी दूर, बार 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 देते रहेंगे, आज फर्स्ट डे है इसका, कराते रहेंगे दूसरा सेशन तीसरा दिन, दो दो घंटे करके तीन सेशन में इस दूध पीना सीख जा रहा, बिल्कुल अपने हाथ से होल्ड करके सीखने के लिए, अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसी के सामने ये बहुत सारे टॉयज है इसके सामने, आप भी रहे माशाल्लाह और क्राई भी कर रहा है, आज तक सोच रहा होगी और जी भी है लेकिन क्राई भी आज तक वो भी खत्म हो गई, लेकिन माशाल्लाह होल्ड करके खुद ही उठा भी रहा है, मैंने इधर किया
अपोज का सुने लेयर टाइम है, लेयर टाइम भी देना है और कंप्लायंस भी करनी है, उसको अपनी मर्जी से खेलने भी देना है लेकिन कंप्लायंस भी नहीं सिटी के साथ बाप के दोस्त करनी हो तो है उस पर काम होगा तो उसकी बात सुन जाएगी। वो साइड की तरह ये साइड भी हो रही है और टच भी उसको फील हो रहा है और साथ हेरी की प्रॉम्प्ट भी, वर्बल प्रॉम्प्ट भी, हेरी साउंड की प्रॉम्प्ट दे रहा हूं मैं खुद भी कर रहा हूं। इस अंदाज में आप भी बचेंगे, मैं नेक्स्ट भी जब इस पे काम करूंगा इंशाल्लाह तो भी ये अच्छा देगा मुझे रिस्पांस, बहुत ही अच्छा देगा। इस अंदाज में आप बिहेवियर को आज फर्स्ट डे है बिहेवियर को ऐसे कंट्रोल करेंगे, बार बार करेंगे बार बार तो उसके बिहेवियर ही हो जाएंगे, लेकिन आपने ये प्रॉम्प्ट दे दिया है चाहे वो वर्बल प्रॉम्प्ट है चाहे वो विजुअल प्रॉम्प्ट भी, जो डिस्क्रीट ट्रेनिंग बेबी स्टेप से आपने आना है एक स्टेप करके ये आपने जरूर करना है, बार बार करेंगे तो उसका बिल भी बचेगा सही हो जाएगा। आप जरा जब इसकी तरह जिंदगी हल्का करता है उसके बाद चुप भी होता है फिर ट्राई करता है, जो आपको म्यूकस उसका निकालने का डिसऑर्डर है कंटिन्यू है उसकी मैं नोज भी साफ करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके इसका सारा कढ़ाई खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी जीवन की इस वीडियो से भी काफी कुछ आपने लर्न करने को मिला होगा, आप भी ऐसे बच्चों के काम करते रहे तो आपके बच्चों के बिहेवियर जीरो हो जाएंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह का अमीना से अल्लाह।